नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर, फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एजुकेशनल डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है नया नोटिस, जिसमें कहा गया है कि सभी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग इंस्टीट्यूट और हॉस्टल बंद रहेंगे आगामी 31 अगस्त तक। भाजपा के प्रदेश महासचिव सयंतन बासु ने ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ममता बनर्जी दिल्ली में लाचार हालत में दिखाई दे रही हैं। वह इंतजार कर रही है कि कब उन्हें कोई बुलाए। क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर, भारत श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच होने की पूरी संभावना, मैदान में उतरेगी नई भारतीय टीम। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 2 के वाइस प्रेसिडेंट सतीश पोखरेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रोशन गिरी ने जो चैलेंज दिया था कि हमारा झंडा छोड़कर अपनी पार्टी बनाए, उस चैलेंज को सतीश ने एक्सेप्ट कर लिया है और कहा कि गोरखालैंड बोलकर आम जनता को धोखा नहीं देना है। उनकी पार्टी का उद्देश्य है हिल्स का डेवलपमेंट और उनके पार्टी के नाम में गोरखालैंड का नाम कहीं नहीं होगा। सिलीगुड़ी महाराजा कॉलोनी 4 नंबर वार्ड की 6.5 साल की बच्ची को अगवा करने की शर्मनाक घटना सामने आई है। परिवार वालों के अनुसार बच्ची 7 बजे से घर से निकली हुई थी और रात भर खोजने के बाद भी नहीं मिली। सुबह 3 बजे वह घर लौटी, उसके कपड़े भी नहीं थे और शरीर पर चोट के निशान थे। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि कुछ गलत मकसद से उसे ले जाया गया था। 2 व्यक्ति को बच्ची के द्वारा पहचाने जाने के बाद गिरफ्तार किया गया। अलीपुरद्वार जिला के मध्य नर्थरी इलाके में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों पर अनियमितता के आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने बुधवार को उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला जड़ दिया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि उप स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी सही समय पर ड्यूटी नहीं करते हैं। इसके साथ ही लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर इलाज के दौरान मरीज पर दुर्व्यवहार करते हुए की बात भी की। सिलीगुड़ी सेवक रोड स्थित शॉपिंग मॉल के एक स्पा सेंटर से एक महिला को पानी टंकी चौकी की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के जुर्म में किया गिरफ्तार। मालदा रेल पुलिस ने तस्करी से पहले पिंजरे में बंद 1000 तोतों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इतनी बड़ी संख्या में पक्षी कहां ले जाए जा रहे थे और कहां इतनी तस्करी की योजना की जा रही थी। अलीपुरद्वार नगर पालिका के टीम ने कल रात विशेष अभियान चलाकर मास्क नहीं पहनने वाले 14 लोगों से जुर्माना वसूल किया। इतना ही नहीं, पुलिस ने सरकारी प्रतिबंधों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों को भी गिरफ्तार किया। एनजीपी थाना की पुलिस ने सफेद वर्दी में अभियान चलाकर 9 mm पिस्तौल और कारतूस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बुधवार को आरोपी को अदालत में पेश किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार उसके नाम पर थाने में कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेरणा में मंगलवार को अलीपुरद्वार जिला के कालचीनी प्रखंड में भूमि एवं भूमि सुधार विभाग की पहल से कालचीनी पंचायत समिति के सहयोग से 200 लोगों को जमीन का पट्टा दिया गया। टोक्यो ओलंपिक में पदक का इंतजार, पीवी सिंधु जीती लेकिन हॉकी और तीरंदाजी में मिली हार। मालदा की इंग्लिश बाजार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर 256 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि बरामद ब्राउन शुगर की कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए है। मालदा में एक स्थान पर कब्जा करने में बाधा डालने पर एक व्यक्ति की कथित तौर पर चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने पूरी घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। आरोप लगाया गया है कि उनकी जगह पर जबरन कब्जा किया जा रहा था, इसका विरोध करने पर उन पर हमला कर दिया गया। घटना के बाद घायल हो गए, उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। सिलीगुड़ी में आधुनिक कचरा संग्रहण वाहन से शहर का होगा सफाया, चेयरमैन गौतम देव ने किया उद्घाटन। उन्होंने कहा कि इन आधुनिक वाहन की मदद से शहर के कचरे को जल्द से जल्द संग्रहित कर उसे डंपिंग यार्ड में भेजने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह हरा भरा सिलीगुड़ी, स्वच्छ सिलीगुड़ी के नगर के साथ काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। CPML जलपाईगुड़ी जिला कमेटी की ओर से बुधवार सुबह नगर पालिका बाजार स्थित पार्टी कार्यालय में चारू मजुमदार की 49वीं पूर्ण तिथि पूरे सम्मान से मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी समर्थक द्वारा 2 मिनट का मौन रखा गया, इसके साथ माल्य अर्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में आज के लिए इतना ही, देखते रहिए SK लाइव।
कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001:2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's heal. Promoting healed and empowered life is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Center Mall, Block G. Office number 426, Siliguri.